नहीं है, वो किसको जवाबदेह है? पार्टी को जवाबदेही है, इसके कारण यह गड़बड़ हुई। तो लोकपाल में यह शक्ति है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ये निर्माण हो, ये लोकपाल का उद्देश्य था। इसलिए हम पीछे पड़े हैं, 6 साल से प्राण की बाजी भी लगाया, फिर भी अभी तक वो लोकपाल नहीं आ रहा है। इसमें और एक, अभी आपने पढ़ा होगा कि लोकपाल का धारा 44 क्या कर है, धारा 44 इस लोकपाल को कमजोर किया। ये सरकार ने भी, पहले सरकार ने तो कमजोर किया, इसने और कमजोर कर दिया। और कैसे मंजूर किया वो पार्लियामेंट में, मंजूर कैसे किया पार्लियामेंट तीन दिन में, ना तो धारा 44 में क्या हुआ, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो ऑफिसर, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी संपत्ति हर साल डिक्लेयर करनी, धारा 44 में बदलाव लाकर उसको निकाल दिया। और ये बिल लाते समय, धारा 44 का बिल लाते समय 27 जुलाई 2016 में लोकसभा में बिल आ गया, 27 जुलाई, और चर्चा ना करते हुए, संसद में चर्चा ना करते हुए पास कर दिया 27 तारीख। 28 को राज्यसभा में आ गया, राज्यसभा में भी चर्चा नहीं हुई, और बिना चर्चा के वो बिल पास हो गया। 27 को लोकसभा, 28 को राज्यसभा, और 29 तारीख को राष्ट्रपति के टेबल पर साइन के लिए गया, और 19 तारीख को राष्ट्रपति ने साइन किया। 3 दिन में कानून, 3 दिन में, और लोकपाल के लिए 5 साल बीत गए, कानून नहीं बन रहा। तो सरकार अपने फायदे के बारे में सोचती है, जनता के फायदे के नहीं, अपने फायदे की। नहीं तो क्या वजह है कि आप ये बिल 3 दिन में पारित करते हैं, एक दिन लोकसभा में, दूसरे दिन राज्यसभा में, तीसरा दिन राष्ट्रपति की साइन होती है। हमारा कहना ये है, जैसा कि लोकपाल है, विरोधी पक्ष नेता नहीं है, बल्कि हम नियुक्त नहीं कर रहे। अरे वित्त विधेयक पास किया ना, वित्त विधेयक जब लाया, वित्त विधेयक में 40 संशोधन किए, 40 संशोधन, और एक संशोधन को अब मैं आपके सामने रखूंगा तो ध्यान में आ जाएगा। एक संशोधन ऐसा है, जितनी कंपनियां हैं, कंपनियां को अपना जो फायदा होता है, 3 साल में जो भी फायदा होगा, 3 साल में उस फायदे के 7.5% कंपनी को, जिसको लगता है उस पार्टी को देना डोनेशन, ऐसा प्रावधान था कानून में। इन्होंने क्या किया, हटा दिया 7.5 को हटा दिया, और कंपनी ने उनको दिल में जितना आएगा उतना पैसा किसी जिसको लगता है वो पार्टी को देना। तो कंपनी डोनेशन किसको देती है, जो सत्ता में होते हैं उनको देती है। इसका मतलब जनता की सोच नहीं है, पार्टी को मजबूत करने की सोच है। इसलिए दुख होता है, क्या इसलिए बलिदान हो गया? 1857 से 1947 तक जो बलिदान हुआ लाखों लोगों का, क्या इसलिए हुआ ऐसे बर्ताव के लिए? अरे जनता की सोच करनी चाहिए, देश की सोच करनी चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा ना कहूंगा आज, मैं इसलिए थोड़ा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और मेरे जीवन में गांधी जी की प्रेरणा मुझे मिली,
आज गांधी जी के प्रेरणा से, गांधी जी की सोच जो देश का, वो एक गांव खड़ा करने का हम कोशिश किया। कितने लोगों ने आना देखने के लिए, 11 साल में 9 लाख लोग आए, उनका रिकॉर्ड है। 5 लोगों ने पीएचडी किए। तो गांधी जी की, मेरे जीवन में गांधी जी और स्वामी विवेकानंद, ये मेरा प्रेरणा स्थान है। इसके कारण 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, मैं अभी समाधि पर गया था। ये सब मैं जब सोचने लगा कि आज़ादी के टाइम पर अरे क्या क्या सहन किया उन्होंने, क्या क्या सहन किया। ऑयल निकाले लोग तेल के कोलों को जुटाते थे कैदियों को अंग्रेज, और नहीं खींचा तो फटके लगाते थे। क्या इसलिए दुख हो रहा था? बाकी हम क्या, किसी का कोई पक्ष है पार्टी, उससे कोई लेन देन नहीं। दुख होता है, इस बात का होता है। इसलिए आज गांधी जी के समाधि पर आया था, थोड़ा चिंतन करने के लिए।